नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष मंगलवार पंचमी तिथि शाम 6:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा 9:30 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, गंभीर, दानी और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक उदार हृदय वाले, ईमानदार, संगीत प्रेमी, नाटक तथा फिल्मों में रुचि रखने वाले, बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों के प्रेमी भी होते हैं। ऐसे जातक शेयर, लॉटरी इत्यादि का शौक रखने वाले, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ, धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा 3 बजे तक सिंह राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्मे जातक पिता के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। अब सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ चुके हैं। कर्क राशि में सूर्य, राहु और बुध की युति कायम हो चुकी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कर्क राशि से लेकर मकर राशि के बीच सारे ग्रह आ चुके हैं। ग्रहों के ऐसे संयोग को हमारे ऋषि मुनियों ने काल सर्प योग की संज्ञा दी है। इसका प्रभाव प्रत्येक जातकों पर उनके अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित घटनाएं, जिसमें बाढ़, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि अप्रत्याशित घटनाएं संभावित हैं। इसके साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। मेष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की अनुकूलता मन मुताबिक बनी रहेगी। नए लोगों से संपर्क होंगे, लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, साझेदारी सफल रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आर्थिक लाभ और सहयोग मिलता रहेगा। मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बढ़ाने वाला होगा। योजनाएं बलवती होंगी, लेकिन काम करने की गति प्रभावित होगी। आलस्य प्रधान मानसिकता संभावित है, मगर अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। खान पान में सावधानी बरतें और पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। वृष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से मानसिक संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते रहेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ संभावित है। योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी। कुछ रुके हुए काम भी संपन्न हो सकते हैं। बच्चों के विषय में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में परिवारीजनों और सहयोगियों की प्रेरणा बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्यतया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा और आर्थिक लाभ के वैकल्पिक मार्गों की मानसिकता बनी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। भाग्यवश नई योजनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। बच्चों के मामले में मानसिक दबाव महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव संभावित है। मधुर संबंधों का ख्याल रखें और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अपने अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं, लाभ मिलेगा। मगर विवादित मामले सामने आएंगे, जिसमें सावधानी अपेक्षित है। हालांकि मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों के लिए अनावश्यक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, मगर व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से भी सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक मामलों में विवाद संभव है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें। खान पान में सुधार और पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। तुला राशि के जातकों को आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी और आय संबंधी नए विकल्प तैयार होंगे। चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना सहयोगी पृष्ठभूमि तैयार करेगा, मगर अपनी कार्य योजनाओं में सावधानी अपेक्षित है। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी विवाद और उचित दिशा निर्देश में रुकावट संभावित है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की कार्य क्षेत्र के प्रति सक्रियता बढ़ेगी और नई कार्य योजनाओं के सृजन की मानसिकता बनेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और दिनचर्या में खान पान को संतुलित करें। धनु राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र में अनुकूल महसूस करेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। आपकी कार्य ऊर्जा अधूरे पड़े कामों को निपटाने के प्रति केंद्रित रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों के मानसिक भ्रम का दौर समाप्त होगा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मंगल का उत्साह और गुरु की प्रेरणा से उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ में वृद्धि मिलती जाएगी। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। चंद्रमा के आठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता, कुछ कामों में रुकावट और भयग्रस्तता संभावित है, मगर दोपहर बाद की स्थिति अनुकूल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष के विकास और साझेदारी के प्रति सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। दृढ़ विश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, मगर दोपहर तक सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी और नकारात्मक विचारों के प्रति मानसिकता बनी रहेगी और आर्थिक लेन देन के प्रति सावधानी अपेक्षित है, मगर दोपहर बाद आर्थिक लाभ मिलने से मन में उत्साह और व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। अधिक जोखिम वाले काम करना उचित नहीं होगा। नए व्यावसायिक रिश्तों में सावधानी अपेक्षित है। सरकारी कामकाज से लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय संघर्ष भरा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और संबंधों में मधुरता कायम रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।